हेलो स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मस्कुलर मूवमेंट के बारे में। ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट जैसा नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इस मूवमेंट में। ठीक है, एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पर जैसे कि आप एग्जांपल की बात कर सकते हो, तो लिम्स का मूवमेंट हो गया, टंग का मूवमेंट, ठीक है, जॉ का मूवमेंट, आईलिड्स का मूवमेंट, इन सब के मूवमेंट में क्या होता है, मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, मसल्स एक्चुअली क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी शो करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करती हैं, और इसी स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी की वजह से मस्कुलर मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में देखने को मिल सकता है मस्कुलर मूवमेंट, एज वेल एज लोकोमोशन में भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स में भी बात पाया जा सकता है, और काफ़ी सारे अदर जो एनिमल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें भी ये देखने को मिलता है मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, तो अब मस्कुलर मूवमेंट के लिए क्या होता है, मस्कुलर जो चीज़ें हैं यानी कि मस्कुलर सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम एज वेल एज स्केलेटल सिस्टम, इन तीनों सिस्टम का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए, जिससे कि प्रॉपर तरीके से एक लोकोमोशन या फिर बाकी सारे मस्कुलर मूवमेंट्स को मतलब अच्छे से किया जा सके, परफॉर्म किया जा सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।